है बड़ी खबर की ओर। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने मंगलवार देर रात अपने भतीजे और पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को उनके पद से हटा दिया। मायावती ने परिपक्व होने का उनको कहा है कि वो अपरिपक्व नेता हैं। देखिए, उत्तराधिकारी की जिम्मेदारियों से भी उन्हें मुक्त कर दिया गया है। आपको बता दें कि 28 अप्रैल को आकाश आनंद ने सीतापुर की रैली में सरकार जमकर हमला बोला था, तमाम विवादित बयान दिए थे, जिसके बाद उन पर FIR दर्ज हुई थी। अब देखिए, मायावती की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया और आकाश आनंद को पार्टी के तमाम पदों से हटा दिया गया। बता दें कि आकाश ने कहा था कि यह आतंकवादियों की सरकार है, इस सरकार को हटाना है और मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाना है। यही बयान है जिसके बाद आकाश आनंद पर FIR दर्ज हुई। और देखिए, इसके बाद मायावती की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया। पहले जो उनके तमाम कार्यक्रम थे, प्रचार थे, उसको रद्द कर दिया गया। अब देखिए, पार्टी के सभी पदों से आकाश आनंद को हटा दिया गया। अब इसके बाद सियासत भी तेज होती नजर आ रही है। भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है। अपने आवाम को गुलाम बनाकर रखा है। ऐसी सरकार का समय आ गया है अब खत्म होने का। और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाकर बहन जी को प्रधानमंत्री बनाकर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का राज कायम करने का। अगर हमारी बात थोड़ी ज्यादा छुप गई हो और इलेक्शन कमीशन को लगे कि हमें तालिबान नहीं बोलना चाहिए था या भाजपा को आतंकवादी नहीं बोलना चाहिए था, तो हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि यहाँ उतर के आके देखें और गांव-गांव में घूमें और पता करें कि यहाँ के जो बहन बेटियां हैं, जो हमारे युवा हैं, वो किस हालत में जी रहे हैं। वो खुद समझ जाएंगे कि जो हमने कहा वो गलत नहीं, वो सत्य है, वो सच है, वो हमारी आवाम आज जी रही है। कांग्रेस प्रवक्ता मेरे साथ तमजीन अहमद जुड़ चुके हैं, वहीं वरिष्ठ पत्रकार हेमंत तिवारी भी हमसे जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भारत समाचार में। तो सबसे पहले तमजीन जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, मायावती की तरफ से जिस तरह से बड़ा एक्शन लिया गया है, कहीं ना कहीं दर्शाता है कि वो अपनी पार्टी को लेकर गंभीर है, कि अगर पार्टी में कोई भी विवादित बयान देता है, अनर्गल बयान देता है, तो उस पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। और जिस तरह से एक्शन लिया गया, किस तरह से देख रहे हैं इसे? मयूर जी नमस्कार। देखिए, जो भी ये फैसला हुआ है, ये बहुजन समाज पार्टी का आंतरिक मामला है। क्या फैसला बहन जी लेती है, मायावती जी लेती है, उनका अपना फैसला। लेकिन निश्चित रूप से जिस वक्त ये फैसला लिया गया, बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं, इसमें कोई भी कोई दो राय नहीं है। मुझे लगता है आकाश आनंद जी जनता के बहुत गंभीर मुद्दों को उठा रहे थे पूरे चुनाव के दरमियान। क्या वजह हुई, क्या वजह हो सकती है, इसके बाद तो बहुजन समाज पार्टी के लोग ही बता सकते हैं। लेकिन निश्चित रूप से चुनाव के ऐन पैर में इस तरह के फैसले कहीं ना कहीं ये मैसेज जरूर देता है कि कोई ना कोई दबाव जरूर रहा होगा जिसकी वजह से ऐसे फैसले लिए गए हैं। लेकिन चूंकि इनका आंतरिक फैसला है, तो इस पर हम लोग ज्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे, उनका फैसला है। लेकिन आकाश आनंद जी लगातार भारतीय जनता पार्टी को उनकी बातें चुभ रही थी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और जनता से सरोकार के मुद्दे वो लगातार उठा रहे थे। अब किस तरह का दबाव था या जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार तीन चरणों में पूरी तरीके से चुनाव से एक तरह से बाहर हो चुकी है, तो वो कोई ऐसा रास्ता छोड़ना नहीं चाह रहा है जिसके जरिए उनको लग रहा हो कि ऐसे करके हम चुनाव में रह सकते हैं। थोड़ा सा कहना मुश्किल है कि हुआ क्या होगा, लेकिन आकाश आनंद जी मैं इतना कह सकता हूँ, एक युवा नेता है और निश्चित रूप से उनकी बातें लोगों तक पहुंच रही थी, उनके जो संदेश थे लोगों तक पहुंच रहे थे और बहुत लोग उनकी सराहना भी कर रहे थे, क्योंकि वो बिल्कुल जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठा रहे थे। तो ये एक क्या वजह हो सकती है, बहुजन समाज पार्टी ही बता सकती है कि ऐसी वजह क्या होगी कि अचानक से ऐसे फैसले लेने पड़े। ठीक है, हेमंत जी आपके पास मैं आऊंगी। देखिए, जिस तरह से सीतापुर में आकाश आनंद ने विवादित बयान दिया और मायावती की तरफ से एक्शन लिया गया, पार्टी के सभी पदों से उन्हें हटा दिया गया, मैं आपसे समझना चाहूंगी क्या कुछ वजह मानते हैं, क्या वजह रही कि मायावती की तरफ से इतना बड़ा फैसला लिया गया? देखिए मयूरी, खाली सीतापुर का बयान ही काफी नहीं है इस तरह के आश्चर्यजनक एक्शन के लिए। इन्हीं मायावती जी ने पिछले 7 वर्षों से आकाश आनंद को ग्रूम किया
पॉलिटिक्स में एक्टिव होने के लिए अपने साथ मंचों पे उतारा और पिछले साल उनको अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाया, नेशनल कोऑर्डिनेटर पहले से थे। मतलब कि बसपा जो खाली एकमेव मायावती के नियंत्रण वाली पार्टी थी वहां एक दूसरा उत्तराधिकारी बना है और उनका खुद का ग्रूम किया हुआ व्यक्ति। बेहतर तो मायावती जानती होंगी किस तरह के स्ट्रांग एक्शन उन्होंने क्यों लिया, जबकि इसमें कोई शक नहीं कि आकाश आनंद में एग्रेशन था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इश्यूज तो सही उठा रहे थे। अब पॉलिटिकल इमेच्योरिटी तो जाहिर सी बात है अभी उनमें है, इसमें कोई शक नहीं। और मायावती ने यही कहा कभी पॉलिटिकली मैच्योर नहीं है, जब मैच्योर होंगे देखा जाएगा, तब तक के लिए मैं अपने उत्तराधिकारी पद से उनको हटाती हूं। लेकिन मयूरी इसके पीछे कई और कारण है, खाली भारतीय जनता पार्टी के लिए जो उन्होंने बयान दिया जिस पर उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई और फिर उनकी रैलियों पर मायावती ने रोक लगा दी, उनकी बहुत सी रैलियां आगे प्रस्तावित रैलियों बड़ी और इसके पहले भी आपने देखा होगा कि तीन राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी और अन्य स्थानों पर भी वो बहुत सक्रियता पूर्वक लगे हुए थे। तो अब दिक्कतें कई प्रकार की थी, जो चूंकि मायावती जिस तरीके की पॉलिटिक्स करती है, देखिए एक जमाने में मायावती भी इसी एग्रेशन की पॉलिटिक्स करती थी, कांशीराम भी इतना उत्तेजक बोलते थे और आकाश आनंद ने करीब ठीक उसी तरीके से बोलना शुरू किया जैसे आजकल दलितों में एक जो युवा उभार है जिसको कहा जाता है चंद्रशेखर आजाद, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, हालांकि चंद्रशेखर आजाद को भी इन्होंने बहुत कुछ कहा, लेकिन इमेच्योरिटी इसलिए भी कह सकते हैं कि ये जो शब्द बोलते थे तो नियंत्रण नहीं था, कई जगह साले बोल गए और हरामी, ये इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल दरअसल सार्वजनिक मंचों से अपेक्षित नहीं होता है और खास तौर से तब जब आप एक बड़ी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हो। ऐसी सूरत में मुझे लगता है कि मायावती को यही बेहतर लगा होगा, हालांकि एक पॉलिटिकल सर्कल्स में माना जा रहा है कि आकाश आनंद ने उसी अंदाज और उसी मिजाज में पब्लिक को एड्रेस करना शुरू किया था, इश्यूज को एड्रेस करना शुरू किया था जो जिसकी इस वक्त जरूरत बसपा को है या जो नौजवानों में थोड़ा सा जोश पैदा करने वाली है, ये सारी चीजें थी, लेकिन उसके साथ इमेच्योरिटी बहुत थी। तो अगर युवा नेता इस तरह से करेगा तो मुझे लगता है मायावती जैसी लीडर को, इसके अलावा भी कई कारण है, अभी अगले आप इकट्ठे ठीक है तमजी जी आपके पास आऊंगी। देखिए अब इस मामले पर सियासत भी गर्माती जा रही है, आपकी ही पार्टी की तरफ से कहा गया, मैं आपके एक प्रवक्ता को सुन रही थी सुरेंद्र गुप्ता को, उनकी तरफ से बयान दिया गया कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आकर BSP की तरफ से इतना बड़ा फैसला लिया गया। देखिए निश्चित रूप से मैंने भी अपने ओपनिंग रिमार्क्स में आपसे कहा कि चुनाव के ऐन पहर पे इस तरीके के फैसला, और सिर्फ एक फैसला नहीं लिया मायावती जी ने, बहुत सारे फैसले, कई टिकट पे भी उन्होंने बदलाव कर दिए अचानक से, वजह क्या हो सकती है वही बता सकती है, लेकिन ये सारे फैसले बड़े सस्पिशियस हैं और पहले से भी बहुजन समाज पार्टी पे आरोप लगता रहा है कि वो जो भी फैसले लेते हैं या लेती हैं भारतीय जनता पार्टी के दबाव में है। तो निश्चित रूप से ये और मजबूत की है इस जो विचार था और जो विचारधारा थी कि बहुजन समाज पार्टी को लेके कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका संबंध है बैकडोर से, तो वो इस विचार को और मजबूत किया लोगों के बीच में, जिस तरीके से चाहे आकाश आनंद जी का मामला हो, चाहे कई टिकटों को उन्होंने ऐसे बदले हैं जो पब्लिक में ये परसेप्शन था कि ये जीतने की जीत भी सकते हो या लड़ाई में, वो टिकट अचानक से बदल दिए गए, क्या वजह हो सकती है बेहतर तो बहुजन समाज पार्टी के लोग ही बता सकते हैं, लेकिन जनमानस में पॉलिटिकल एरिना में ये सवाल बड़े खड़े हो गए कि ये फैसले लिए क्यों गए या किस दबाव में लिए गए, और लोग जो जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक भारतीय जनता पार्टी का भी, तो लोग ये समझते हैं कि हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी दबाव डाल के ऐसा कराया हो, लेकिन विस्तृत जानकारी तो वही दे सकते हैं हम लोग, तो सिर्फ और सिर्फ एजम्पशन या एप्रिहेंशन पे ही बात कर सकते हैं कि हुआ क्या होगा, लेकिन ये सब चीजें धारणाएं बहुत मजबूत है पब्लिक के बीच में, जितनी भी बातें लोगों के सामने आई है इस तरीके की, जब भी लोग सोचते थे कि बहुजन समाज पार्टी एक टफ पोजीशन में पहुंच रही है
यहाँ आकाश आनंद जी बहुत बहुत तेजी से पॉपुलर हो रहे हैं और लोगों के बीच उनकी बातें पहुंच रही है, मायावती जी ने अचानक से फैसला लिया और उनको हटा दिया, तो ये सब चीजें हैं। कुल मिला के देखने वाली बात होगी कि बहुजन समाज पार्टी का इस पर रुख क्या होता है या उस पर क्या सफाई देते हैं। अभी तक सफाई नहीं आई, क्योंकि जो भी सवाल उठ रहे हैं इस पर अभी तक कोई सफाई नहीं है। ठीक है, पोलिटिकल इमेच्योरनेस, पोलिटिकल बयानबाजी, ये सब तो कोई नई चीज नहीं है मयूरी जी, ये तो पॉलिटिक्स में सब बयान देते रहते हैं, अच्छी बातें भी करते हैं, जनता सरोकार वाली बात भी करते हैं, लेकिन मायावती जी को कौन सी ऐसी बात पॉलिटिकल इमेच्योरनेस लगी उनको ये बिल्कुल बताना चाहिए कि कौन सा ऐसा बयान था जो पॉलिटिकल उनको लगा कि ये इमेच्योर है। क्या भारतीय जनता पार्टी की अत्यधिक बुराई उनको ऐसा लग गया कि ये पॉलिटिकल इमेच्योरनेस का नतीजा है, या क्या है मायावती जी इस पर बता सकती है। लेकिन इस चीज को मुझे लगता है क्लियर किया जाना चाहिए कि जो पॉलिटिकल इमेच्योरनेस उन्होंने बोला है वो कौन सी ऐसी बात है भाई। अब चुनाव में मुकदमे होने कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो होते रहते हैं मयूरी जी, आप भी जानती हैं कि राजनेता बयान देते हैं, चुनाव में मुकदमे होते रहते हैं, कुछ भी नया नहीं है ये। बहुजन समाज पार्टी के भी बहुत सारे नेताओं पर मुकदमा हुआ है, पहले भी हुआ है, लेकिन उसके लिए अगर इमेच्योरनेस और उनको पार्टी से कई पदों से अचानक से हटा दिया जाए, चुनाव के अहम में उनकी सारी रैलियों को रद्द कर दिया जाए, तो बहुत सारे सवाल खड़े हो गए जनता के मन में कि हुआ क्या होगा, क्या वजह हो सकती है। तो उसमें एक जो सबसे बड़ी वजह जो लोगों को नजर आ रही है वो यही नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का बड़ा दबाव है। आप क्या वजह देख रहे हैं तमजीत जी? देखिए, हम लोग भी, मैं जैसे मयूरी जी आपसे कह रहा हूँ, जिस तरीके का अप्रोच रहा है पिछले कुछ सालों में बहुजन समाज पार्टी की राजनीति में, आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें पिछले लगभग 10 सालों से, और लगातार ये बात लोगों के बीच में है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का बड़ा दबाव बीएसपी पे है। लेकिन जब इस तरह के फैसले होते हैं तो ये धारणा और मजबूत हो जाती है, तो हम लोग भी ये कहीं ना कहीं ये मैसेज तो है, हम कुछ भी कहें ये अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं एक मैसेज तो है निश्चित रूप से कि एक दबाव था जो काम कर गया है। ठीक है हेमंत जी, देखिए जिस तरह से विपक्ष द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं बीएसपी पर दबाव है और इसी दबाव को लेकर ये फैसला लिया गया है, इतना बड़ा एक्शन लिया गया है, कितने सहमत है इन बातों से? देखिए, ऐसा है कि इसमें कोई शक नहीं, बीएसपी पर 2022 के असेंबली इलेक्शंस में भी इस बात के इल्जाम लगे थे कि बहुत सीटों पर उन्होंने ऐसे कैंडिडेट फील्ड किए जिसकी वजह से अपोजिशन का कैंडिडेट हार गया, भारतीय जनता पार्टी ने वो सीट जीत ली। इसमें इस तरह का आरोप लगे हैं, कुछ जगह ऐसा देखा भी गया है, लेकिन यहाँ दूसरी बात, इसको समझने वाली बात, जो लोग मायावती की पॉलिटिक्स को समझते हैं, करीब 3-3.5 दशक से मैं बहुत नजदीक से देख रहा हूँ उनकी राजनीति का जो अंदाज है, जो तरीका है। देखिए, काशीराम के अवसान के बाद जो पॉलिटिक्स मायावती ने की उसमें एक सेट पैटर्न पूरी पार्टी के नेताओं के लिए है, चाहे कोई कितना नजदीकी क्यों ना रहा हो, वो ये है कि मायावती जितना चाहती हैं आप उतना ही बोलेंगे। मायावती एक सेट फॉर्मेट का प्रोटोकॉल चाहती हैं जिसके तहत आपको रहना पड़ेगा। बड़े पावरफुल मिनिस्टर्स हमने देखे हैं, बड़े पावरफुल लोगों को देखा है बीएसपी में मायावती के सत्ता काल के दौरान, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि अकेले जाके कहीं बयान दे दे, कहीं इंटरव्यू दे दे, कहीं इस तरह बात कर ले बिना मायावती से पूछे। अब मुख्य बात सुनिए, जब आकाश आनंद को 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में इतनी सक्रियता और जिम्मेदारी के साथ लगाया गया तो शुरू के 2-3 मीटिंग में आपने देखा होगा वो एक पर्चा रखते थे और जो लिखा होता था, जैसा कि मायावती स्वयं करती है वर्षों से, मायावती जो बोलती हैं बोलने के पहले उसको लिखती हैं और लिख करके उसका अभ्यास करती हैं, मतलब उसके कंटेंट को समझती हैं, और फिर बोलते वक्त भी मीडिया के सामने, जनता के सामने बोलते वक्त भी उसको देखती हैं। ये दशकों वर्षों से मायावती का अंदाज है। आकाश आनंद ने भी ऐसे शुरू किया होगा, लेकिन तीसरी चौथी मीटिंग के बाद आकाश आनंद ने खुलकर एक्सटेम्पोर बोलना शुरू किया, जैसे उनको जो रम जाता है भाषण करने में, तो जो मन में आता है जिस हिसाब से एक फ्लो बनाने के लिए उस तरह से उन्होंने बोलना शुरू किया। इश्यूज उठाए, अच्छे इश्यूज उठाए, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कई जगह उनकी जुबान भी फिसल गई। नंबर एक कि एक्सटेम्पोर बोलने के चक्कर में बहुत कुछ बोल गए। अगर वो मायावती के निर्देश, देखिए मायावती इस मामले में चाहे डिक्टेटर कह लीजिए, चाहे उनकी डिसिप्लिन मेंटेन करने की स्टाइल कर लीजिए, मायावती अकेली और अपने अंदाज की अकेली है, सिर्फ अकेली है। उस अगर आपने उनके सिस्टम को तोड़ा फिर आपको बर्दाश्त नहीं करेंगी, एक बात है। दूसरी चीज, इधर जो देखा गया था कि आकाश आनंद जब से
मायावती के उत्तराधिकारी बने और 2024 का ये इलेक्शन नजदीक आया तो आकाश आनंद नेशनल मीडिया में बहुत ज्यादा आने लगे थे, बड़े बड़े चैनल्स में उनके इंटरव्यू, बड़े बड़े समाचार पत्रों में उनके इंटरव्यू। ठीक है हेमंत जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी और सीएम योगी